दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ड्राइव टू इजी। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि क्लच और एक्सीलेटर में क्या फ़र्क होता है। मतलब क्लच जब छोड़ेंगे फर्स्ट गियर में, जब क्लच को छोड़ते हैं तो क्लच किस तरह छोड़ना है और एक्सीलेटर किस तरह देना है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जितनी फर्स्ट बिगिनर्स है, जो भी नए गाड़ी सीखने वाले हैं, अक्सर क्या होता है क्लच को झटके से छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो इसलिए मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। अगर गाड़ी कभी चढ़ान पर रहेगी तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हुए हल्का सा एक्सीलेटर को देना है, धीरे से एक्सीलेटर देना है तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और कभी गाड़ी स्लोप पर नहीं, एकदम सीधे रास्ते पर रहे तो हाफ क्लच के ऊपर भी गाड़ी जो है पिकअप हो जाती है। ठीक है, ओला उबेर का पार्किंग है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह फर्स्ट गियर में गाड़ी को आप जो है आप छोड़ेंगे, फर्स्ट गियर क्लच छोड़ेंगे और गाड़ी आपकी जो है फर्स्ट गियर में आगे मूव होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्लच, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। फर्स्ट गियर में ये भी गियर है, तो ये गियर को मैं फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ। ये फर्स्ट गियर में डाल दिया, सॉरी न्यूट्रल अभी किया हूँ, ये फर्स्ट गियर में डाल दिया। और ये क्लच, अब ये क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। ये पंजा जो है क्लच के ऊपर होना चाहिए, एड़ी जो है यहाँ नीचे। क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक मूव हो जाती है। अगर स्लोप के ऊपर गाड़ी है, हल्का सा चढ़ान भी है, तो क्लच को धीरे धीरे प्रेस रिलीज करते हुए हल्का सा ये एक्सीलेटर ना, उसको हल्का सा प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं भी आपको जो गाड़ी चला कर दिखाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये भी न्यूट्रल पे है, हैंड ब्रेक को ये नीचे कर दिया। ठीक है, अभी जो है मैं इसको फर्स्ट गियर में डालता हूँ और गाड़ी किस तरह मूव होती है आप देखना। ये क्लच को जो है ये पूरा दबाया मैंने। ठीक है, ये क्लच को पूरा दबाया 100% और ये फर्स्ट गियर डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्लच को रिलीज़ कराऊँ। देखिए दोस्तों, क्लच को यहाँ धीरे धीरे रिलीज़ कराऊँगा, जो क्लच को रिलीज़ करते हुए जो है गाड़ी मूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट गियर में जो है गाड़ी को रिलीज़ करना है, क्लच को रिलीज़ करना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, घबराना नहीं है। झटके से आपने क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, इसलिए क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करना है और हल्का सा अगर स्लोप पे है तो हल्का सा एक्सीलेटर देना है। ठीक है दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।